आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग आज ही हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों हर किसी की चाहत होती है कि वो सुंदर और बेदाग दिखे, इसके लिए कई लोग ब्यूटी एक्सपर्ट की सलाह लेने के साथ साथ हजारों और लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ किए ही सुंदर और आकर्षक दिखना चाहते हैं। तो आज हम उन लोगों के लिए ही लाए हैं ऐसा एक उपाय, जो हमारे द्वारा बताई गई सामग्रियों का इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ मेहनत करेंगे तो उनकी त्वचा निखर जाएगी। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए आपको सोयाबीन का प्रयोग करना है। सोयाबीन एक ऐसी सब्जी है जो चेहरे से झुर्रियों को दूर कर आपको जवां बनाती है। इसके लिए नियमित रूप से सोयाबीन का सेवन करें, और आप अपने चेहरे को सुंदर और जवां दिखाना चाहते हैं तो आप रोजाना अपने नाश्ते में सोयाबीन को शामिल कर लें। और सोयाबीन को किसी भी तरीके से खाया जा सकता है। दोस्तों शाम को भिगोकर आप स्प्राउट्स के रूप में सोयाबीन खा सकते हैं, आप सोयाबीन की बड़ी को आप सब्जी के रूप में खा सकते हैं, और सोयाबीन की चूरी का इस्तेमाल कर भुजिया के रूप में भी ले सकते हैं। तो आप सोयाबीन को किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला नुस्खा है दही। आमतौर पर ज्यादातर लोग पराठे के साथ दही खाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि दही त्वचा के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। दही खाने से चेहरे पर निखार आने के साथ साथ त्वचा संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। बिना मेहनत के आप अगर निखरी त्वचा पाना चाहते हैं तो रोजाना खाने में दही को शामिल करें। अगला प्रयोग है ग्रीन टी। आप रोजाना सुबह चाय से पहले ग्रीन टी पिया करें। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर से विषाक्त पदार्थ निकालने का काम करते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद पोटेशियम, मिनरल्स और मैग्नीशियम से त्वचा में निखार आता है। अगला प्रयोग है टमाटर। टमाटर में लाइकोपीन होता है जो त्वचा को तेज किरणों से बचाता है। त्वचा को तेज किरणों से बचाने के लिए रोज नाश्ते में टमाटर खाएं। इसे चेहरे पर चमक लौटने के साथ साथ त्वचा संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। अगला प्रयोग है अखरोट का। गर्मियों में कई लोग रूखी और बेजान त्वचा की शिकायत करते हैं, ऐसे में इस समस्या से बचने के लिए आप अखरोट खाएं। अखरोट में मौजूद तत्व आपको रूखेपन से बचाएंगे और आपके चेहरे पर ग्लो आएगा और आप सुंदर हो जाएंगे। अखरोट को आप शाम को भिगो दें और सुबह खा सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।